अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अदरीस और आप देख रहे हैं आपके अपना चैनल पिको मास्टर चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी चाहे आपके पास चाइना पिको की मशीन है या आपके पास फैंसी कटवर्क कुंडी कटवर्क वाली जिसको बोलते हैं वो मशीन है, और आपकी मशीन का जो छोटा लूपर है वो जो बार बार टांका तोड़ देता है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे उसको सेट कर सकते हो। नए लोगों को ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा मसला उसको आता है कि उन्हें मशीन की समझ नहीं आती कि भैया ये जो अब जो टांका ये टूट रहा है उसको हम कैसे सेट कर सकते। तो छोटे लूपर की बात करें तो वो कौन सा होता है, यहाँ पर ये देखें आपको, यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पर ये जो स्टेंशन दिख रहा है ये होता है बड़ा लूपर, एंड सेकंड पर दूसरे नंबर पर ये जो स्टेंशन होता है ये चलता है छोटे लूपर वाला धागा, ठीक है। तो इसका ज़्यादातर लोगों को मसला आता है कि इसका जो टांका है वो कैसे सेट किया जाता है, क्या इसका तरीक़ेकार है, ठीक है, धागा जो उसकी सेटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो ये है चाइना पिको की, और सेम यही प्रोसेस आप कुंडी कटवर्क वाली मशीन पर भी कर सकते हो। मैं आपको समझाऊँगा कि आपने किस तरह की इसकी जो गाइडों की सेटिंग है वो रखनी, जिससे आपकी ये जो छोटे लूपर के धागे तोड़ने का जो मसला है वो हल हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ मशीन पर और समझाता हूँ आपको कि किस तरह से आपने अपनी मशीन की सेटिंग करनी है। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर आप पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ये तो दोस्तों हम आ चुके हैं मशीन पर। ये जो मशीन आप देख रहे हो ये है चाइना पिको की मशीन, और इस पर मैंने तीन धागे लगा कर रखे हुए हैं। ये जो सेटिंग मैं आपको समझाऊंगा, ये आप चाइना पिको की मशीन है चाहे आपके पास है कुंडी कटवर्क वाली फैंसी पिको की मशीन जिसके ऊपर डिजाइनिंग की जाती है, चाहे आपके पास वो मशीन है, दोनों मशीनों की एक ही सेटिंग होगी। समझाई बात, यानी कि अगर आपकी चाइना पिको की ये जो मशीन है उसका ये छोटे लूपर का धागा है, ये इसको छोटा लूपर बोलते हैं, इसका ये वाला धागा, या ये समझ लें कि ये वाला जो स्टेंशन है इसका धागा बार बार तोड़ रहा है, चाहे आपके पास चाइना पिको की है या चाहे आपके पास जो फैंसी पिको डिजाइनिंग वाली मशीन है उसका भी ये वाला धागा या ये छोटा लूपर जिसको कहते हैं, ठीक है, इसका धागा बार बार टूट रहा है, बार बार टूट रहा है। जब भी आप पिको करते हो थोड़ी देर चलती है और थोड़ी देर के बाद धागा तोड़ देती है, दोनों की एक ही सेटिंग हो गई, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इनमें यह होता है कि यह चाइना पिको की मशीन है, इसके यहाँ पर एक धागा चलता है, ये एक धागा चल रहा है। जो फैंसी पिको की मशीन होती है उसके यहाँ पर दो धागे चलते होते हैं, ठीक है। बाकी ये जो सेटिंग है, धागे डालने का तरीक़ेकार, इसकी सेटिंग सेम दोनों की एक ही तरह की होती है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि इसके ऊपर देखें तीन स्टेंशन लगे हुए हैं, और वो जो मशीन है उसके यहाँ पर एक और इजाफी लगा होता है, उसके चार लगे होते हैं, ठीक है। दो धागे चले जाते हैं निडल में और दो धागे चले जाते हैं यहाँ पर नीचे गाइडों में। इसका एक ही धागा चलता है क्योंकि इसके यहाँ पर देखें निडल एक लगी हुई है। जो फैंसी पिको मशीन होती है उसके यहाँ पर दो निडल लगी होती है। देखें ये होती है चुटकी। अब इस चुटकी में जो पॉइंट्स हैं वो दो ही हैं, यानी कि दो निडल आप लगा सकते हो यहाँ पर, लेकिन चाइना पिको में एक ही निडल चलती है, एक ही काम देती है, तो इसलिए यहाँ पर एक ही निडल लगेगी। अगर फैंसी पिको होती तो इस पर दो निडल लगनी थी और यहाँ पर दो धागे चलने थे। बाकी जो सेटिंग होती है गाइडों की या धागे डालने का जो तरीक़ेकार होता है वो दोनों का एक ही तरह का होता है। अब ये देखें आपकी मशीन में ये मसला आ रहा है, चाहे आपके पास चाइना पिको की मशीन है या चाहे आपके पास कुंडी कटवर्क वाली फैंसी पिको की मशीन है, उसमें मसला ये आ रहा है कि आपकी ये जो धागा है, ये वाला जो धागा है सेकंड धागा, ये बार बार तोड़ रहा है, ठीक है। अब मैंने अपनी मशीन के ऊपर वो सेटिंग ख़राब इसकी जो ना सेटिंग कर दी है, मतलब अब मेरी जो मशीन आपकी मशीन की तरह ही हो गई है और ये जो है ना बार बार धागा तोड़ती है, बार बार ये धागा छोटे लूपर का समझ लें या इसका समझ लें, ये बार बार तोड़ रही है, आप ही की तरह मैंने इसको कर दिया है। अब आपके सामने मैं इसको करूँगा सेट, पहले मैं आपको चलाकर दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि ये इसकी पिको भी नहीं ठीक आ रही और थोड़ी देर चलने के बाद ये धागा तोड़ देती, शायद ये थोड़ी देर चले भी ना, या हो सकता है चले और दरमियान में जाकर धागा तोड़ दे, क्योंकि सेटिंग इसकी मैंने ख़राब कर दी है। अब मुझे भी नहीं आइडिया कि कहाँ पर जाकर ये धागा तोड़ देगी, लेकिन तोड़ेगी ज़रूर क्योंकि सेटिंग मैंने इसकी ख़राब कर दी है। लेकिन बज़ाहिर अगर आप देखें तो ये आपको बिल्कुल परफेक्ट हालत में लग रही है, धागा जैसे मैंने डाला है बिल्कुल सही डाला है, जैसे डालना चाहिए उसको वैसे ही डाला है, कोई मैंने इसमें हेरा फेरी नहीं की,
अब धागे टाइट, शायद आप सोच रहे हैं कि भाई ने धागे टाइट कर दिए, नहीं धागे भी मैंने नॉर्मल रखे हैं, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, ठीक है, तीनों की सेटिंग भी ठीक है, धागे भी ठीक है और धागे डालने का जो तरीकेकार है वो भी ठीक है। आप देख सकते हैं जहाँ से इसको जाना चाहिए, जहाँ से इसको गुजरना चाहिए वहीं है, बिल्कुल उसी तरह है। मैं धागों को छेड़ूंगा भी नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, सिर्फ गाइडों की आपको सेटिंग समझानी, ये वाली जो गाइड है ना इसकी सेटिंग आगे पीछे है और इसकी जो सेटिंग है ये आगे पीछे है, वो आपको समझ नहीं आती, उसका पता नहीं, जिसकी वजह से आपकी मशीन में ये मसले आते हैं, पिको भी नहीं ठीक होती और धागे भी बार बार तोड़ देती है, ठीक है। अभी ये मेरे पास एक कपड़ा है, इस कपड़े के ऊपर मैं पिको करूँगा और देखेंगे ये थोड़ी देर बाद ये धागा तोड़ देगी, थोड़ी देर चले मे भी ना भी चले और धागा फटक से तोड़ देगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसको सही करने का तरीकेकार बताऊंगा। तो देखें मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ और इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ, बंद कर दिया मैंने। अब मैं इसको चलाने लगा हूँ, ये मैंने कपड़ा यहाँ पर लगा लिया, अब मुझे नहीं पता कि ये कितनी पिको करेगी, हो सकता है चलाते वक्त ही तोड़ दे, या हो सकता है ये कर ले पिको यहाँ पर लगा कर कहीं दरमियान में ये टूट जाए, नो आइडिया, क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग ख़राब की हुई है। तो अभी मैं इसको चलाता हूँ और चला कर देखते हैं कि कहाँ तक ये पिको करती है, आया कि स्टार्ट में तोड़ देती है या हाफ कर लेती है या इसको पूरा करके तोड़ती है, ठीक है। अभी मैं इसको चलाता हूँ तो आपने ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो देखिए अभी मैंने पिको की भी नहीं और इसने तोड़ दिया, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन सा तोड़ा है, हालाँकि मैंने धागे बिल्कुल ठीक डाले हुए थे, और ये देखें ये वाला धागा टूट गया है, आप देख रहे हैं ये आगे से दो मुंह हो गए इसके, ये टूट गया। अभी मैं इसको डाल देता हूँ दोबारा से, डाल कर और दोबारा से पिको करता हूँ और देखता हूँ कि ये चलती है या नहीं चलती। तो ये धागे मैंने डाल दिए हैं, दोबारा से डाल दिए मैंने, देखें बिल्कुल सही डले हुए हैं, कोई मसला तो नहीं इसमें, ठीक है, सही बिल्कुल परफेक्ट है। अभी मैं इसको चलाऊंगा, कपड़े को मैं थोड़ा सा साइड पर कर लेता हूँ, इसको वैसे हम हल्का सा चला लेते हैं, मे बी ये चल जाए। तो ये देखिए ये थोड़ी सी चली है, अब मैं इसका बूट लगा लेता हूँ और ये जो कपड़ा है इसके ऊपर करते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि कपड़ा इसके अंदर ना चला जाए। तो ये देखिए मैंने इतनी चलाई, यानी कि जितना मैंने इसको घुमाया है आप इसे आधा दुपट्टा कर सकते हैं। आधा दुपट्टा करने के बाद तो ये देखिए इसने धागा तोड़ दिया है, ये देखिए अब इसका बनता तो नहीं है कि ये धागा तोड़े, ये देखिए लेकिन इसका धागा टूट गया, यानी कि चलाई भी है मैंने और स्टार्टिंग में, जब इसी तरह आपके साथ होगा कि जब आप स्टार्ट करोगे तब तोड़ देगी, या जब आप पिको कर रहे होते हैं तो आधा हमने कर लिया या एक दुपट्टा हमने पूरा कर लिया उसके बाद धागा तोड़ दे। तो ये देखिए इसने धागा तोड़ दिया, मैंने तो नहीं तोड़ा ना, मशीन नहीं तोड़ा है। और ये पिको मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखिए पिको किस तरह की आ रही है, अजीब सी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मुझे भी नहीं पता कि कहां पर जाके ये धागा तोड़े, क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग उल्ट पुलट कर दी है। अब ये देखें पिको के, पिको का जो हाल है आपके सामने ये कि पिको किस तरह की इसने की है, ठीक है, ऐसी तो पिको होती नहीं, आपकी पिको भी ख़राब आ रही है इस तरह की और आपकी मशीन ये धागा भी तोड़ दिया। अब मैंने रोकी है, जब इसको मैंने रोकने की कोशिश की है, यानी कि ये समझ लें कि जब पिको के ऊपर हल्की सी पिको आई है और इसने धागा फटक से तोड़ दिया। तो ये देखें अब हमने इसको सेट कैसे करना है, ये मैं बता दूँ, इसको मैं जगह पर काट देता हूँ और इसको जो है ना मैं दोबारा से उस लूपर में डाल देता हूँ। तो ये देखें आगे से दो मुँह हो गए हैं इस धागे के, यानी कि ये खुद ही टूटा है, ठीक है, ये खुद ही टूटा है। तो अभी इसको मैं डालता हूँ इसमें और उसके बाद इसकी सेटिंग आपको समझाता हूँ कि क्या आपने इसकी सेटिंग करनी है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, बज़ाहिर आपको ये जो सेटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट लग रही होगी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें भी बड़ी मतलब के ऊंच नीच है, ये बिल्कुल ख़राब सेटिंग है। आपने सबसे पहले क्या देखना है, जो मेन देखने वाली चीज़ है वो ये है कि आपकी ये जो गाइडें हैं, ये जो गाइडें हैं इसमें कोई कट वगैरह तो नहीं है। मैंने ये ब्लैक कलर के मोती लगाए हुए हैं,
ज़ाहिर है मेरी गाइडों में कट वगैरह नहीं है और ना ही कभी पड़ेंगे। मुझे एक साल से ज़्यादा अरसा तकरीबन हो गया है इसको इस्तेमाल करते हुए। ये ब्लैक जो मोती हैं गाइडेंस का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है ये वाला, कि आपकी गाइडों में कट नहीं लगते और जो है ना धागे तोड़ने की जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम हो जाती है, बल्कि होती ही नहीं ये समझ लें। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपके गाइडों में कट वगैरह तो नहीं है। अगर कट वगैरह हैं तो आपने अपनी जो गाइडें हैं उसको चेंज कर देना है। बेहतर यही है कि आप ये जो मोती लगी गाइडें हैं वो इस्तेमाल करनी है, चाहे आपके पास जो है मशीन कुंडी वाली है, चाहे आपके पास जो मशीन है चाइना पिको वाली है, कोई भी है, आपने मोती वाली गाइडों वाली जो है ना गाइडें वो आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, देखें सबसे पहले तो आपने इन गाइडों के अंदर जो ना कट चेक करने हैं कि इनमें कोई कट वगैरह तो नहीं पड़ गया, क्योंकि धागे चलते हैं और ये चलते हैं तो ये जो लोहा होता है उसको वो काट देते हैं और उसमें कट पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो धागा जब चलता है ना तो वो धागा छिज जाता है, यानी कि खराशें आ जाती है धागे के ऊपर और धागा इस तरह ना कमज़ोर होता जाता है और वो टूट जाता है। मेन टिप ये बात आपने ध्यान रखनी। दूसरा, आपने अपनी मशीन की ये जो गाइडें हैं इसकी पोजीशन देखनी है कि आपकी मशीन की जो गाइडें हैं उसकी पोजीशन कहाँ पर। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर दरमियान में रखी हुई है, आपने भी इसको दरमियान में ही रखना है। आपकी या तो इधर होगी या इधर होगी या कहीं और पर होगी, आपने इसको दरमियान में रखना है। ये बिल्कुल ठीक है, मैंने इसको नहीं छेड़ा, इसको मैंने बिल्कुल परफेक्ट रखा हुआ है। आपने इसको अगर यहाँ पर है तो इसको उठाकर आपने यहाँ पर दरमियान में इसको रख देना है। ठीक है, ये आपने सबसे पहले ये काम करना है। और दूसरा, आपने इस गाइड को देखना है, ये छोटी वाली गाइड है, इसकी पोजीशन देखनी कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है। यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर ये मैंने रखी है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसको आपने खोलना है, खोल कर आपने इसको भी दरमियान में लेकर आ जाना है, यहाँ पर रख लें। ठीक है, यहाँ पर इसकी पोजीशन होनी चाहिए, इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ना ही यहाँ पर होना चाहिए, ना ही इसको यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर हो जाए तो चलिए ठीक है मान लेते हैं, लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर जितना कर लें बेहतर है। ठीक है, लेकिन नीचे ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इससे ये होता है कि ये वाला धागा मज़ीद टाइट हो जाता है। दूसरा, ये दो पॉइंट हो गए। अब तीसरा जो पॉइंट है, आपने ये जो गाइड है, ये वाली बड़ी गाइड, इसको देखना ये कहाँ पर है। अगर हम इसको घुमाते हैं, मशीन को ऐसे घुमाते हैं तो ये नीचे कहाँ तक जाती है, ऊपर तो चलो देख लें यहाँ पर आ गई, ये ऊपर आ गई, अब नीचे देखना कि ये कहाँ तक जाती है, ये इससे नीचे नहीं जाती, तो यानी कि ये ठीक सेटिंग नहीं है। आपने इसको खोल लेना है, इसको ऐसे खोलना है, इसको खोल कर आपने इसको नीचे करना है। देखिए ये मैंने खोला, इसको मैंने यहाँ पर नीचे कर दिया, इतना आपने नीचे करना है कि ये बॉटम के साथ टकराए ना, बस। ठीक है, बाकी आपने इसको नीचे ही रखना है। ये देखिए यहाँ पर ये होना चाहिए, यानी कि नीचे बॉटम के साथ इसको टकराना नहीं चाहिए, बाकी आपने इसको नीचे कर देना, बॉटम के साथ ये ना टकराए, बस ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी सेटिंग क्लियर हो गई। अब ये जो गाइड है इसका आपने देखना है कि ये कहाँ पर, ये कितना नीचे जाती है, तो ये देखें ये बिल्कुल सामने है, ऐसे भी आपने नहीं रखना, आपने इसको ऊपर करना है, इसको खोल लें चाहे या ऐसे आपने इसको ऊपर कर देना। ये देखें धागा तोड़ती है, आपने इसको नीचे कर देना, इसको ऊपर कर देना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसको भी आपने इतना ऊपर रखना है कि ये जो नट है इसके साथ ये टकराए ना। ठीक है, इसके साथ टकराने नहीं चाहिए, बस। तो यहाँ पर आपने इसको रख लेना है, थोड़ा सा मजीद और इसको ऊपर कर देता हूँ। और इनको आपने फुली टाइट रखना है। ये देखें ये होगी मेरी सेटिंग, ठीक हो गया, बस यही सेटिंग है। इसी तरह से आपने अपनी मशीन की सेटिंग करनी है। आपने इन चीज़ों को देखना है कि आपकी मशीन की जो चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। मैं घुमाकर दिखा देता हूँ आपको दोबारा। तो ये देखें ये बिल्कुल नीचे बॉटम के साथ टकरानी नहीं चाहिए, और इसको आपने ऊपर कर देना, और इसको आपने दरमियान या दरमियान से ऊपर रख लेना। ठीक है, यही आपने करना है। और ये इसको आपने यहाँ पर एक दो तीन और चौथे पॉइंट पर आपने इसको रख लेना है, ये वाली जो चीज़ है। अब मैं इसको करता हूँ बंद, धागे मैंने नहीं छेड़े, कुछ भी नहीं मैंने किया, इसको मैं लगा देता हूँ। अब ये जो है ना आपकी मशीन कभी भी धागा नहीं तोड़ेगी, बस परफेक्ट होगी। गाइडों की सेटिंग ख़राब थी, आपकी मशीन की गाइडों की सेटिंग भी ख़राब होगी, तो अब मैं इसको लगाता हूँ। ठीक है, ये देखें अब मैं इसको चलाऊँगा और देखते हैं कि अब ये धागा तोड़ती है या नहीं तोड़ती।
अब ये देखिए आप पीको चेक करें, आप इसकी पीको देखें और कितनी प्यारी पीको होगी। और पहले वाली जो पीको हमने की थी वो कैसी थी, यानी कि सिर्फ गाइडों की सेटिंग ठीक छेड़ने से आप पीको का रिज़ल्ट देख लें कि ऊपर वाली कैसे आ रही और ये पहले वाली कैसे थी। समझाइए आपको, धागे मैंने बिल्कुल नहीं छेड़े, इनको तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया आपके सामने, सिर्फ गाइडों की सेटिंग की है। और ये पीको देख लें, ठीक है, अभी ये थोड़ा ये लूज है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर इसका आप देखें तो ये तो गया काम से ना। ये पहले वाला कितना है ये देखें, पहले वाला किस तरह का है, और ये अब जो किया है वो भी रिज़ल्ट आपके सामने है, ये देख लें। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ये लूज़ है, इसको हम टाइट करेंगे ये और भी बेहतरीन हो जाएगा, ये देखें। और ये अब ये फ्रंट से आप इसको कंपेयर कर लें, पहले वाले को और इसको, मामला आपके सामने, ये देखें, ये दरमियान में छोड़ भी रहा था पहले, ठीक है। और ये अब हमने जो किया गाइडों की सेटिंग के हिसाब से, ठीक है, तो ये फ़र्क है इसमें, मतलब कि गाइडों की सेटिंग में, आपकी मशीन की गाइडों की सेटिंग नहीं ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा एक दफ़ा पूरा दुपट्टा जो ना ये कपड़ा इसके ऊपर करके चेक करवाता हूँ कि धागा तो कहीं पर नहीं तोड़ती, अगर धागा तोड़ती है तो मज़ीद हम इसकी थोड़ी बहुत और सेटिंग करेंगे। तो वीडियो को आपने अभी मुकम्मल देखना है, छोड़ कर नहीं जाना। अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा टाइट, ताकि वो पहले लूज आ रहा था, इसको थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ। तो अब देखें यहाँ पर इतने हिस्से के ऊपर मैंने पीको के ऊपर पीको भी चढ़ाई है, ठीक है, लेकिन धागा इसने नहीं तोड़ा, ये आप देख लें बिल्कुल परफेक्ट हालत में पड़ा है, ठीक है। धागा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इसको निकाल कर भी दिखा देता हूँ कि धागे आया कि इसमें हैं भी या नहीं। तो ये देखें, ये आपको धागे भी नज़र आ रहे हैं कि बिल्कुल ठीक धागे इसमें, अभी इसने बिल्कुल तोड़ा ही नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हालत में। और ये देखें, अभी मैंने पीको के ऊपर पीको भी चढ़ाई, ये भी ठीक है। और अब ये देखें, ये मैंने धागे इसको टाइट किया थोड़ा सा, क्योंकि ये पहले लूज था, और अब पीको का रिज़ल्ट देखें आप, है ना बेहतरीन पीको, ठीक है। सिर्फ ये हल्का सा मैंने लूज़ किया था, क्योंकि यहाँ पर ये हल्का सा यहाँ पर लूज़ नहीं, टाइट किया, क्योंकि ये हल्का सा यहाँ पर लूज़ था, ये देखें ये लूज़ था, जिसकी वजह से ये बाहर की तरफ निकल कर आ रहा है। और जब मैंने इसको टाइट किया तो ये देखें ये कैसा हो गया, बेहतरीन हो गया। तो ये था सारा फंडा इसका, आपकी मशीन में प्रॉब्लम यही थी जो मैंने अपनी मशीन में की, फिर इसको मैंने सेट किया और रिज़ल्ट जो है ना आपके सामने है, ठीक है। ये देखें रिज़ल्ट आपके सामने है, कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत इसकी पीको हो गई है, कोई मैंने धागे नहीं छेड़े, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ ये लूज़ था, इसको मैंने टाइट कर दिया और बाकी सेटिंग मैंने आपको यहाँ से करके दिखाई है। और पीको का रिज़ल्ट देखें, अगर आपकी मशीन में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आपने इसी तरह से अपनी मशीन की जो सेटिंग कर लेनी है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी मशीन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। बाकी अगर आपको फिर भी समझ नहीं है किसी चीज़ की, या आपकी मशीन में आ रहा है मसला इस तरह, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट में जाकर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका हल बता दूंगा, आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो दिल से यार इसको लाइक कर दीजिएगा, इतनी मेहनत की आपको समझाने के लिए, फिर आपका भी तो बनता है ना कि आप भी मुझे थोड़ी सी सपोर्ट करें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर आप पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मज़ीद मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर कभी किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगेबान, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।